नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सनसनीखेज खबर है आगरा जिले से, जहां के थाना एतमादपुर के नई बस्ती खंदौली रोड के रहने वाले एक दिव्यांग ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक दोनों पैरों से दिव्यांग था। मृतक का नाम सुनील बताया जा रहा है। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष बताई गई है। दिव्यांग सुनील ने मंदिर में पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली और अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर मृतक की डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, आज थाना एतमादपुर से सूचना प्राप्त हुई कि खंदौली रोड कस्बा एतमादपुर में एक व्यक्ति ने फांसी से लटक के अपनी आत्महत्या कर ली। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने पाया कि जो है सुनील सनफ महेश, जिसकी उम्र 25 वर्ष है और वो विकलांग भी था, उसने जो है फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। उसके परिवार वालों ने जो कारण बताया, जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो लड़का जो है कोई काम धाम नहीं करता था और जब विकलांग पेंशन मिलता था उसे वो शराब का आदि हो चुका था और हमेशा नशे में रहता था। और जैसा कि परिवार वालों का ही कहना है कि जो है उसकी शादी भी नहीं हुई थी, अविवाहित था और ऐसे जो है डिप्रेशन में रहा करता था, तो उसी डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड कर लिया। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।